अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिष्का, किसी को पता चला घर में कि लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई है? नहीं, और मैंने बताया भी नहीं, और क्यों बताऊं? मलिष्का, लेकिन जब सबको पता चलेगा कि तुम्हारी उससे बात हुई थी जब वो ये घर छोड़ कर जा रही थी, तो सब क्या कहेंगे? स्पेशली ऋषि, वो तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगी? कहने दो, उसे जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता माँ। मैं तो एक ही बात कहूंगी ना कि ये डिसीजन लक्ष्मी ने खुद लिया है, ये फैसला उसका खुद का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बीच में? नहीं मलिष्का, ऋषि तुमसे जरूर पूछेगा कि तुमने किसी को बताया कि नहीं। स्पेशली ऋषि को क्यों नहीं बताया? I'm 100% sure ये सवाल वो जरूर करेगा। मलिष्का, पूछने दो, ये सवाल भी पूछने दो, जवाब देना मुझे अच्छे से आता है माँ, दे दूंगी जवाब। आप प्लीज स्ट्रेस फ्री रहो और मुझे भी स्ट्रेस में। मलिष्का, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा स्ट्रेस दूर करना चाह रही हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारे लिए आज तक प्रॉब्लम थी ना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जाने के बाद भी वो तुम्हारी प्रॉब्लम ना रहे। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो और तुम दोनों जीवन में आगे बढ़ो और बस तुम खुश रहो, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, आपकी ये विश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब मेरी और ऋषि की शादी होने से कोई नहीं रुक सकता। मेरी और ऋषि की शादी तो हो के रहेगी माँ, आप भी देखना। किचन में भी नहीं है, आखिर कहाँ हो सकती है? मुकेश, तूने लक्ष्मी को देखा? कहीं गई है क्या वो सामान वामान लेने? मैंने नहीं देखा उनको। अच्छा, ये तेरे हाथ पे क्या है? ये मैं आपको देने आ रहा था, सफाई करते वक्त मुझे आपके कमरे से कागज मिला, मुझे लगा कि आपके काम का तो नहीं है ये। ठीक है दादी, सॉरी, मैं जानती हूँ आपने मना किया था और आप शायद नाराज भी होंगी, पर मैं आज फिर से बिना किसी को बताए घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं मजबूर हूँ दादी, क्योंकि अगर मैं बताकर जाती तो आप मुझे फिर से कुछ ना कुछ कह के रोक लेती। दादी, मैं यहाँ से मान सम्मान के साथ ही जा रही हूँ और साथ में कई सारे रिश्तों की यादें भी लेके जा रही हूँ, मतलब खाली हाथ बिल्कुल नहीं गई, मुझे आप मिली, बाऊजी मिले, नीलम आंटी जैसी माँ मिली। वो मेरे साथ जैसी भी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि वो ऋषि से बहुत प्यार करती हैं। शायद कमी मुझ में ही रह गई होगी जो मैं उनके दिल में जगह नहीं बना पाई, पर आप तो जानती हैं मैंने हमेशा हर रिश्ता दिल से निभाया। करिश्मा बुआ के साथ भी, उनकी भी हमेशा इज्जत की है मैंने। सोनिया, अहाना, देविका जैसी बहनें भी मिली मुझे। अहाना तो लड़ भी लेती थी मेरे लिए, और आयुष, उसके लिए क्या कहूँ। एक बार मेरे भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया होगा, पर आयुष ने कभी नहीं छोड़ा और ऋषि ने भी नहीं छोड़ा। अपनी जान तक दांव पर लगा देता था वो मेरे लिए। ऐसा सच्चा साथी, सच्चा दोस्त आप और बाऊजी, आप दोनों ने तो माँ बाऊजी की कमी महसूस ही नहीं होने दी, मुझे इतना प्यार दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया हर पल। सच्ची दादी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बस अब ये कहना चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें, ऋषि और मलिष्का भी शादी करके एक दूसरे का साथ निभाएं और खुश रहें। भगवान जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, और आपसे भी एक प्रार्थना है, प्लीज मुझे वापस लाने की कोशिश मत करना। एक बार फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। आपकी मेरी लक्ष्मी, ऋषि। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।